सो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसी अपकमिंग गाड़ियों के बारे में जो कि ना केवल वो SUV होगी, ना केवल वो MPV होगी और ना ही वो MUVs होगी। मतलब सारा मिक्सरन जो है ना, हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाले है कि कौन कौन सी वो ऐसी गाड़ी होने वाली है जो आप लोग को 7-सीटर के अंदर अवेलेबल होगी। तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वीडियो होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ हैं इस बार, और मतलब दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का जब आप लोग उन गाड़ियों को देखोगे। तो कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ और प्राइसिंग और लॉन्च डेट एक्सपेक्टेड, आप लोगों को जो है ना हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना। तो हम लोग चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गाड़ी यहाँ पे आ रही है वो है किया मोटर्स की तरफ से कार्निवाल का नया जनरेशन। अब ये जो गाड़ी है, आप लोगों को पहले भी ये गाड़ी यहाँ पे मिलती थी ऑलरेडी, अभी भी अगर आप लोग लेना चाहते हो कार्निवाल तो ले सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया ऑफर्स भी चले थे, उसके बावजूद भी ये किस वजह से नहीं चली, क्या रीज़न था, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बता देना। बाकी हम इसके नए वाले जनरेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए ये देखिए, बिल्कुल एक तरीके से पूरी प्रीमियम गाड़ी है ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट्स इसके अंदर दिए गए हुए हैं। एक सामने से आप लोग को स्टाइलिश लाइटिंग सेटअप आप लोग को इसके अंदर मिल जाता है। प्राइसिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 30 से लेके 35 लाख रुपये तक की जो है ना इसकी प्राइसिंग रखी जा सकती है, या फिर 35 से लेके 40 लाख रुपये की इसकी शोरूम कीमत हो सकती है। तो यहाँ पे प्राइसिंग को देखते हुए लगता है कि भाई ये गाड़ी दोबारा से यहाँ पे फ्लॉप हो सकती है अगर ये जल्दी आ जाती है। यहाँ पे आप लोग को एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, साथ ही में मैनुअल ट्रांसमिशन आप लोग को इसके अंदर दिया जाएगा। यहाँ पे मून रूफ मिल जाता है आप लोगों को, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग को दो सनरूफ दिए जाते हैं, आगे के लिए अलग और पीछे के लिए अलग। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये चीज़ देखने में। साथ ही में यहाँ पे आप लोग को एक बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा भी होगा उसके अंदर, वेंटिलेटेड सीट्स दिए जाएंगे, और साथ ही में आप लोग को जो है ना पीछे वाले जो पैसेंजर होंगे उनके लिए डेडिकेटेड आप लोग को दो स्क्रीन दी जाएगी जिसमें मीडियाज आप लोग आराम से सर्व कर सकते हो। और साथ ही में कन्वीनियंट के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आप लोग को अवेलेबल करा दिए जाएंगे इसके अंदर, जैसे कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा दी जाएगी इसके अंदर, जैसे पावर टेल गेट हो जाएगा, आप लोग को दरवाजे को खोलने के लिए बंद करने के लिए डेडिकेटेड अलग से ही आप लोग को इसमें बटन्स दिए जाएंगे, कई तरीके से आप लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एडास का सिस्टम भी आप लोग को मिलने वाला है, और साथ ही में इस गाड़ी का जो लॉन्च डेट रहेगा वो आप लोग को अप्रैल के महीने में ये गाड़ी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की तरफ से XL6 का बड़ा वर्जन XL7 आने वाली है। तो क्या चीज़ रहने वाली है, इसकी क्या ज़रूरत है, पता नहीं है वो चीज़ सिस्टम, बाकी इसके बारे में हम बात करते हैं चलिए, वरना खलबली मच जाएगी यहाँ पे। XL6 का एक एडवांस वर्जन रहेगा ये XL7, जहाँ के नाम पे ही अपने को देखने को मिल रहा है, पता चल रहा है कि XL6 यानी कि 6 सीटर, XL7 यानी कि 7 सीटर। अब क्या है, ये अर्टिगा को मतलब ये रिप्लेस करना चाहती है, अपने ही उसको सेगमेंट को खाना चाहती है, या फिर क्या सिस्टम रहेगा। देखिए XL6 या फिर XL7 जो भी गए, अर्टिगा से काफ़ी ज़्यादा देखने में प्रीमियम लगती है गाड़ी, और लगती है कि भाई एक गाड़ी ली है हमने। अर्टिगा में इतने ज़्यादा अच्छे लुक्स नहीं दिए जाते हैं, जबकि आप लोग को अगर इसको देखते हो XL7 को या 6 को तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगती है देखने में भी। फीचर्स आप लोग को ज़्यादा मिल जाएंगे इसके अंदर, और सेफ्टी के फीचर्स भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर दिए जाएंगे। प्राइसिंग देखिए भाई, इसके अंदर आप लोग को 11 से लेकर 16-17 लाख रुपये तक की रखी जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मिलता है एक 1.5 लीटर का K सीरीज वाला पेट्रोल इंजन जो कि 101 BHP की पावर जनरेट करेगा। यहाँ पे आप लोग को जो ट्रांसमिशन दिया जाएगा वो मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ दिया जाएगा। Level 2 का एडास भी होगा इसके अंदर, और इंटीरियर एज वेल एज आप लोग को XL6 जैसा ही मिलने वाला है। सो कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी की लेंथ बढ़ाकर इसको 7 सीटर कर दिया जाएगा, और आप लोग को टायर भी अपग्रेड मिलेंगे इसके अंदर पैसेंजर्स के कैपेसिटी को देखते हुए। एक बिग स्क्रीन दी जाएगी, 360 डिग्री कैमरा भी होगा, वायरलेस चार्जर दिया जाएगा आप लोग को, और साथ ही में वेंटिलेटेड सीट्स भी दिए जाएंगे। देखने में गाड़ी अच्छी लगती है, अर्टिगा से तो काफ़ी अच्छी है, बाकी आप लोग बताना आप लोग का क्या ओपिनियन है। गाड़ी आप लोग को अप्रैल के महीने में या फिर अप्रैल या मई के महीने में देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, होंडा मोटर्स की तरफ से आ रही है एक काफ़ी भारी भरकम गाड़ी पायलट। सो ये वो वाला पायलट नहीं है जो आप लोगों को जहाज उड़ाता है, बट हाँ पायलट नाम रखा गया है। तो गाड़ी में जो बैठने वाला इंसान होगा इसको
वो अपने आप को पायलट से कम नहीं समझेगा, क्योंकि ये गाड़ी जो है एक काफ़ी ज़्यादा दमदार और ख़तरनाक गाड़ी रहने वाली है। इसमें आप लोग को 8 सीट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। सो 4x4 ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को ये कैरी फॉरवर्ड करती है। इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पे। साथ ही में अगर इसके लुक्स एंड डिज़ाइन को देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और एडवांस लगते हैं देखने में। तो ये गाड़ी एक बड़ा एक स्टेप हो सकता है इस कंपनी के लिए, होंडा मोटर्स के लिए। किसके लिए? टोयोटा मोटर्स के लिए, जो कि इनकी फॉर्च्यूनर है डायरेक्ट राइवल के, ठीक है। बाकी देखिए प्राइसिंग जो इस गाड़ी की रखी जाएगी वो 35 से लेकर 40 लाख रुपए के बीच में रखी जाएगी। और साथ ही में जो इसके अंदर आप लोग को इंजन मिलता है वो 3.8 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन दिया जाएगा इसके अंदर, जो कि 320 bhp और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। देखिए ये काफ़ी खतरनाक सा है यार, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी। मैनुअल और DCT गियरबॉक्स आप लोग को दिया जाएगा, एक बिग स्क्रीन दिया जाएगा, हेडसअप डिस्प्ले भी होगा साथ में, और वेंटिलेटेड सीट्स, एडास जैसा सेफ्टी फीचर भी आप लोग को इसके अंदर दिया जाएगा, और भी तरीके के फीचर्स आप लोग को दिए जाएंगे इसके अंदर। गाड़ी आप लोग को जो है ना जून या जुलाई के महीने में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो अगली गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए किया मोटर्स की तरफ से आने वाली है मोहावे। ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम SUV रहेगी, या फिर जो मर्जी इसको कहे, बहुत ज़्यादा तगड़ी गाड़ी है 7 सीटर में आने वाली। मुझे तो इसके जो लुक्स है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इसके लुक्स लगते हैं देखने में, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी भी है। साथ ही में एक सामने से देखोगे तो आप लोग को किया का नया ग्रिल देखने को मिल जाता है इसके अंदर, एक नया हेडलाइट सेटअप आप लोग को ज़रूर से मिल रहा है। 20 से लेकर 27 लाख रुपए के बीच में इस गाड़ी को उतारा जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रोडक्ट रहेगा ये भी किया मोटर्स की तरफ से। मानो या ना मानो, अगर आप किया मोटर्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए किया मोटर्स जो है ना इंडियन कस्टमर को के माइंडसेट को अच्छे तरीके से जान चुका है कि क्या उनको चाहिए, क्या मसाला उनको चाहिए। सो सीखना चाहिए यार और भी कंपनियों को इनसे, ठीक है। यहाँ पे आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा, जो कि 8 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ होगा। साथ में सारे जो फीचर्स होंगे वो अप टू डेट फीचर्स रहने वाले हैं। इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहेगा और बहुत सारे फीचर रिच ये गाड़ी आप लोग को यहाँ पे होगी। भाई लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इतने से फीचर्स आप लोग को बता दिए। इसका जो लॉन्च डेट रहेगा वो आप लोग को मई के महीने में ये गाड़ी देखने को मिल सकती है। अगर नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए तो अगली गाड़ी यहाँ पे आने वाली है टाटा मोटर्स के तरफ से सफारी पेट्रोल वेरिएंट में। तो ये भी एक गेम चेंजर हो सकता है इस कंपनी के लिए। वैसे भी जो टाटा मोटर्स है उसने एक अपना अलग सा ही नाम बना लिया है, अलग सी पहचान बन चुकी है आज के टाइम में। अगर हम सेफ्टी देखते हैं या फिर आप लोग कंफर्ट के बारे में बात करते हो तो टाटा मोटर्स भी अब उसमें शामिल हो चुका है। तो इसको भी अब लॉन्च करने की तैयारी चली हुई है सफारी को पेट्रोल के अंदर। और एक चीज़ बता दूँ आप लोग को, जो सफारी है जो इसकी पहले मिलती थी सफारी स्ट्रोम, अब उसको जो है ना क्लासिक के नाम पे दोबारा से लॉन्च करने की भी तैयारी चली है। अगर आप लोग उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जो है ना सफारी स्ट्रोम क्लासिक के बारे में मुझे कमेंट करना, हम उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना के लाएंगे। फिलहाल कर लेते हैं पेट्रोल वाले के बारे में बात। यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सेगमेंट है इस गाड़ी का। इसके लुक्स एंड डिज़ाइन आप लोगों ने देख ही लिए है, फेसलिफ्ट आया था इसका, तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और अट्रैक्टिव लुक है इस गाड़ी के। इंटीरियर और एक्सटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है ही है इसमें। जो आप लोग को मिल रहा है स्पेशली इसके अंदर जो तगड़ा चीज़ है वो है एक 1.5 लीटर का TGDI 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 168 bhp की पावर जनरेट करेगा। सफारी को जो है ना ये लोग अब EV पे भी लॉन्च करने की तैयारी चली हुई है, बट कब तक आती है उस चीज़ का कोई पता नहीं है। फिलहाल तो इसके बारे में बता दूँ, 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT के साथ ये आप लोग को मिलेगी। बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, एक 10.25 इंच जिसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 4 स्पोक मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील, इल्यूमिनेटेड लोगो, डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, एडास, पैनोरामिक सनरूफ। कीमत इसकी 15 से लेकर 22 लाख रुपये की हो सकती है। यहाँ पे गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना आप लोगों को मार्च के लास्ट में या फिर उससे पहले मिड में भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो किया मोटर्स की तरफ से टेलुराइड आ रही है 7 सीटर एक के साथ में। बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है ये भी, और ये भी जो है ना बीट करेगी अपने फॉर्च्यूनर के सेगमेंट को। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव लुक्स के साथ इस गाड़ी को लाया जाएगा, और सामने से देखते हो तो एक नया किया का ग्रिल है, एक नया लाइटिंग सेटअप है, 3.8 लीटर का पेट्रोल इंजन आप लोग को ऑफर किया जाता है 8 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ, कनेक्टेड किया टेक आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रहे हैं, ट्रिपल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और एडास जैसा सेफ्टी फीचर भी आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है। यहाँ पे इस गाड़ी का जो लॉन्च डेट है ना ये आप लोग को मार्च के महीने में देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, टोयोटा मोटर्स की तरफ से आ रही है मोस्ट अवेटेड फॉर्चूनर। भाई कब आएगी यार ये गाड़ी, कब से ही इसका वेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस गाड़ी को आ जाना चाहिए। तो देखिए इस गाड़ी को पूरी तरीके से चेंज किया गया है, इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स इसके अंदर किए गए हुए हैं, और साथ ही में एक IMV प्लेटफॉर्म इसके अंदर यूज़ किया जाएगा, काफ़ी सेफेस्ट माना जाता है, जिसको 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया जाएगा, जो कि है 201 BHP की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। दूसरा इंजन होगा 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 164 BHP और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा वो। और साथ ही में इसके अंदर आप लोगों को जो है ना हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया में हाइब्रिड के साथ आती है या नहीं आती है वो एक सोचने वाली बात होगी, जब बाद में बात करेंगे। फिलहाल प्राइसिंग जो इसकी रखी जा सकती है वो 40 से लेके 45 लाख रुपए की हो सकती है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा, पैनारोमिक सनरूफ का भी कोई आइडिया नहीं है, ये एक मिथ है क्या है, रूमर है, जो मर्जी है, देखिए आप लोग को जो भी मिले मिले, बट कन्फर्मेशन अभी नहीं है इस चीज़ की। एडास भी दिया जाएगा आप लोग को, अप्रैल या मई के महीने में इस गाड़ी का लॉन्च डेट आप लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगली गाड़ी जो आ रही है वो है मारुति सुजुकी की तरफ से ग्रैंड विटारा 7 सीटर, ठीक है। इस गाड़ी को भी जो है ना 7 सीट में लेआउट, 7 सीट के लेआउट में लॉन्च करने की तैयारी चली हुई है, जिसकी प्राइसिंग 13 से लेकर 17 लाख रुपये की हो सकती है। यहाँ पर आपको जो इंजन ऑप्शन दिए जा रहे हैं दो, वो उसमें से आप लोग को जो पहला इंजन है ना वो आप लोग को 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो दूसरा होगा वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होगा सेम 1.5 लीटर के साथ, मैनुअल CVT और ECVT गियरबॉक्स के साथ पेयर होगा। यहाँ पे आप लोग को न्यू अपग्रेड फीचर्स मिल जाएंगे सारे, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, ट्रिपल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल, Level 2 का एडास और पैनारोमिक सनरूफ जैसा भी आप लोग को तगड़ा फीचर इसके अंदर दिया जाएगा। गाड़ी का लॉन्च डेट आप लोग को जो है ना मार्च के मिड में या फिर आप लोग को लास्ट में देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे महिंद्रा मोटर्स की तरफ से अब आने वाली है नियो प्लस, बुलेरो नियो प्लस। भाई ये भी एक जो है ना एक नया वर्जन है, एक बिगर वर्जन बोल सकते हैं आप लोग बुलेरो नियो का, जो कि 7 सीट को अपडेट करते हुए, अपग्रेड करते हुए 9 सीट का ऑप्शन भी आप लोग को देगी। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज है इस गाड़ी के लिए, 9 आदमी बिठाना एक गाड़ी के अंदर तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे जो लुक्स है ना इस गाड़ी के आप लोग को बिल्कुल डिसेंट मिलने वाले, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और साथ ही में इसके अंदर इंजन ऑप्शन आप लोग को एक ही मिलेगा, 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 130 BHP और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो देखिए भाई ये गाड़ी 9 सीट के साथ आएगी, तो इंडिया है तो भाई 9 मतलब का ये 13 से 14 आदमी बिठा सकते हैं आप इस गाड़ी के अंदर नॉर्मली, ठीक है। तो गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना आप लोग को अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी। चलिए लास्ट गाड़ी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ह्यूंडई मोटर्स की तरफ से आ रही है स्टारगेजर। 7 सीटर लेआउट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, और देखिए स्पेस के मामले में बात करें तो कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की ऐसे, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और अंदर से देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है, स्पेशियस तो ऑलरेडी ये गाड़ी होने वाली है 7 सीट में, ठीक है। 15 से लेकर 17 लाख रुपए की इसकी कीमत हो सकती है यहाँ पे, और इसके डिज़ाइन को जो है ना काफ़ी एरोडायनामिकली दिए जाएंगे ताकि विंड ब्लास्ट कम हो और एवरेज आपको अच्छी मिले। लुक्स काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, और इसमें आप लोग को कनेक्टेड LED DRL भी दिया जाएगा, साथ ही में एडास भी आप लोग को दिया जाएगा। यहाँ पे फ्रंट में पार्किंग कैमरा और रडार सेंसर, इंजन आप लोग को एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक आप लोग को टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है यहाँ पे 130 BHP के साथ। मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आप लोग को देखने को मिलेगा, पैनारोमिक सनरूफ, और साथ ही में इसके अंदर आप लोग को इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिया जाएगा। यहाँ पे गाड़ी का जो लॉन्च डेट है वो जून के महीने में देखने को मिलेगी। तो ये थी वो ओवरऑल गाड़ियाँ जो आप लोग को अभी हाल ही में जो है देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। अब आप लोग बताइए आप लोग का क्या ओपिनियन है, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा आप लोगों ने, तो नहीं किया है तो कर दो अभी भी जाके। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, आप लोग रखना अपना ध्यान। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।